जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी में यानी इंदौर में, और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं यहां से लेकर यशवंतपुर तक। वैसे जिस ट्रेन में हम लोग यात्रा कर रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू रेलवे स्टेशन से चलती है, उसके बाद जस्ट आधे घंटे में पहुँच जाती है इंदौर, और यहाँ से उज्जैन भोपाल के रास्ते नरखेड़ अकोला, उसके बाद पूर्णा होते हुए नांदेड़ मुठखेड़ कच्चीगुड़ा के रास्ते बैंगलोर तक के अपने सफ़र को पूरा करती है। इंदौर रेलवे स्टेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, साथ ही साथ बाहर आपको एक स्टीम लोकोमोटिव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रूट था कम्प्लीटली मीटरगेज का था, हैदराबाद से लेकर पूरा आपका अकोला खंडवा, फिर ये जो सेक्शन है आपका महू से इंदौर, यहाँ से रतलाम होते हुए जयपुर तक का जो सफ़र है पूरा मीटरगेज का होता था। ये पूरे प्लेटफॉर्म जो थे ये भी मीटरगेज के थे, लेकिन अब खैर वो सब चीज़ें नहीं। अब रूट का जो गॉज कन्वर्जन है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, बस अभी छोटा सा स्ट्रेच बचा हुआ है ओमकारेश्वर रोड से महू तक का मीटरगेज ट्रेन, केवल उसी स्ट्रेच में चलती हैं, बाकी कम्प्लीटली ब्रॉडगेज हो चुका है और बचे कुछ हिस्से में काम चालू है। जल्दी आपको वहाँ भी ब्रॉडगेज ट्रेन देखने को मिल जाएंगी, जल्दी आएगी हमारी ट्रेन, मिलता हूँ आप लोगों से ट्रेन के आने पर। टू बैक ट्रिप का इतना बुरा असर है ना कि अभी एकदम आँखों में नींद भरी हुई है दोनों के, जैसे सोचा पहले चाय पी लें बाद में ट्रेन बोर्ड की जाएगी, ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी तो सो जाएगा ट्रेन में चलते ही, उज्जैन वगैरह भी रह जाएगा, पहले ही सो गए। यात्रीगण कृपया ध्यान, गाड़ी संख्या 1931 यशवंतपुर एक्सप्रेस डॉक्टर अम्बेडकर नगर से चलकर इंदौर उज्जैन भोपाल के रास्ते को जाने वाली अपने निर्धारित समय 30:23 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से जाएगी। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुँच रही अपनी डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस बिल्कुल ऑन टाइम भाई, यहीं से पंक्चुअलिटी के मज़े शुरू। लगता है रास्ते में बारिश हुई है। टू एसी का हाल तो काफ़ी बुरा सा लग रहा है, अंदर देखते हैं भाई इंटीरियर का क्या हाल है। वैसे गाड़ी तो अपनी अब आज की है, ये रही अपनी गाड़ी आज, दोनों अपर सीटें एक सौरभ की एक मेरी, कर्टन्स वगैरह खैर लगे हुए हैं और इससे पता चल रहा है कि ट्रेन में बेडशीट मिलना शुरू हो चुकी है, बस इसके ऊपर पिलो कवर वगैरह पड़ेंगे अभी। वैसे तो साफ़ सुथरा लग रहा है कुछ, बाकी सफ़र कैसे रहता है आपको आगे चल के पता चलेगा। बिल्कुल राइट टाइम यहाँ पर अपनी ट्रेन इंदौर जंक्शन से निकल चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे इंदौर को जंक्शन क्यों कहते हैं भाई, यहाँ से कहाँ रुक जाते हैं, तो एक लाइन यहाँ से रतलाम की ओर जाती है वाया फतेहाबाद और दूसरी वाया उज्जैन। बाकी आप लोगों ने मीटरगेज की कहानी तो मेरे से सुनी ही, तो मीटरगेज और ब्रॉडगेज दोनों थे इसलिए से जंक्शन भी कहा जाता था। इसी के साथ साथ इतने रूट्स गए हुए हैं तो भाई आने वाले जो स्टेशन है वहाँ आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा नाइट एक्शन जो है उस ट्रेन से इन्जॉय करिए, क्योंकि लोकोमोटिव आपने काफ़ी करी। एक्चुअली वी हैव पैरेलल डिपार्चर विद इंदौर नागपुर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे थे जब मैंने आपको फोराबेट लाइसेंस वेबसाइट, एक बहुत ही तगड़ी वेबसाइट है गेमिंग के लिए, उसका एक गेम दिखाया था 777 जेम्स का। आज मैं आपको उसी का एक और गेम दिखाऊंगा जिसका नाम है 777 री स्पिन्स, जहाँ से भी हम गेम खेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हज़ारों लोग इसमें गेम खेल रहे हैं और पैसे लगातार जीत रहे हैं, और जब मैंने इतने सारे मैसेजेस देखे कि सत्य भाई फिर से दिखाओ, तो चलिए वापस से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर गेम खेलना है। यहाँ पे मैंने 500 रुपए की बेट लगाई और देखिए यहाँ पे स्पिन किया है, हमें बस इन्हें मैच करना है, जब ये मैच हो जाते हैं तो हम जीतते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट मैच जो है हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ पे 2500 रुपीस कमा लिए, और अब मेरा मन कर रहा है एक और बार स्पिन किया जाए। जितना आप स्पिन करते हैं उतना ही आप जीतते हैं, एक और बार स्पिन करके देखते हैं क्या होने वाला है, और देखिए क्या होता है। वाओ, और यहाँ पे अब की बार कुछ ज़्यादा ही कमाई हुई है, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 12,500 रुपीस कमा लिए हैं विद इन 30 seconds। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने 15,000 रुपीज़ कमाए। भाई आप लोग भी ऐसे ही कमा सकते हो, काफ़ी कमाल का गेम है, और ये लाइसेंस वेबसाइट है और ऐप भी ऐसा अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 200% का बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है यहाँ पे, फिर से एक बार ट्राई करो मेरे बोनस के साथ, आपको आपके डिपॉजिट पे 200% का बोनस मिलेगा, और साथ साथ जो आपके जीते हुए पैसे हैं उसे आप अपने सेफली बैंक अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो,
और यहाँ पे देखते देखते मेरे पैसे भी बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो भाई आप लोग के लिए गुड लक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए, गेम को डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए। तो यहाँ पे गए त्रि शताब्दी की जो रफ्तार है वो बढ़ते हुए और वो हमें ओवरटेक करते हुए आगे निकल ही जाएगी अब लग रहा है। इंदौर नागपुर त्रि शताब्दी एक्सप्रेस पैरेलली ओवरटेकिंग। और यहाँ पे हम लोगों ने भी अब एक्सेलरेट करना जो है वो शुरू किया है, जब गाड़ी ओवरटेक करके निकल गई है तब। मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स को रेड सिग्नल मिले हुए हैं। अब आगे कौन सी निकलेगी ये तो भाई एक अलग ही कहानी हो गई। अभी मैं तो इसी में खुश हूँ कि चलो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रात में भी हमको मिल रहा है, ताकि आपको असली रेल फैनिंग क्या है, असली ट्रेन जर्नी क्या है उसके मज़े में दिखा सकूँ। क्या ये साइड स्टोरी थी, यहाँ पे रोक के निकाल दिया गया उसे। ओवरटेक ही कराना था तो रोका क्यों यार, अब बुरा लग रहा है वैसे एक्चुअली में। देखते हैं क्या होगा अभी। तो गाइस हमें रोका था किसी अच्छे रीज़न के लिए, वो अच्छा रीज़न ये था कि हम दुरंतों को ओवरटेक कर रहे हैं भाई। नॉन सुपरफास्ट गाड़ी, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली गाड़ी वेस्टर्न रेलवे की, दुरंतों को ओवरटेक करते हुए। सो वी आर ओवरटेकिंग वेस्टर्न रेलवेज प्राइड दुरंतो, इंदौर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। नॉन सुपरफास्ट ट्रेन इज ओवरटेकिंग सुपरफास्ट कैटेगरी दुरंतो एक्सप्रेस। और दूसरी तरफ रणथंबोर एक्सप्रेस भी आके खड़ी हो चुकी है। नाइन सिक्सटीन का हमारा अराइवल टाइम था देवस जंक्शन पर, और यहाँ पे हम पहुँचे 9:45 पे। डिले क्यों हुआ वो तो आप लोगों ने देखा, ओवरटेक वगैरह का जो सिलसिला था। अब सब लोग सोच रहे होंगे मुंबई दुरंतों को ऐसी नॉन सुपर फास्ट ट्रेन ने कैसे ओवरटेक कर लिया। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ना, इंदौर से फतेहाबाद होते हुए जंक रास्ता गया है, वही उस रूट से जाती है दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि हमारे वाले रूट से, यानी अभी हम लोग जाएंगे उज्जैन देवस होते हुए। जैसे कि हम लोग की ट्रेन देवस पहुँच चुकी है, फतेहाबाद जाती है उज्जैन के लिए, जो कि एक शॉर्टेस्ट रूट है, लगभग 23 किलोमीटर की दूरी कम पड़ती है हमारे वाले रूट से, यानी देवस वाले रूट से जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए हमें पहले छोड़ा गया। खैर वो हमें शायद एक उज्जैन में देखने को मिले, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, चला जाए अंदर ट्रेन के। देवस जो है अपनी
तुलजा भवानी माता के मंदिर के लिए फेमस है और साथ साथ चामुंडा देवी के मंदिर के लिए भी। और इसी के साथ हम लोग देवस से निकल चुके हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग बसता है उज्जैन यानी महाकालेश्वर की नगरी, तो वहाँ भी पहुँचेंगे। काफ़ी दिव्य स्थलों से होते हुए गुजरती है अपनी इंदौर यशवंतपुर यानी महू यशवंतपुर एक्सप्रेस। तो यहाँ हम लोग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुँच रहे हैं। और ज़रा हमारे सामने इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस खड़ी है और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में आए उसकी एक ख़ास बात आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप ये तरफ देख लीजिए, यहाँ आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है। आप दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एक, लेकिन भीड़ देखिए इसी प्लेटफॉर्म में लगी हुई है। गाड़ी के लिए तो काफ़ी तगड़ी भीड़ है उज्जैन में। वैसे भी सावन चल रहा है तो भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी ही। लेकिन आदमी के लिए लोग इतना इतना सामान लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक ट्रेन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रात में भी अवेलेबल हैं, पोहे हैं, ब्रेड आपको यहाँ पे, समोसे, ब्रेड पकौड़े, बर्गर सब मिल जाएगा। यहाँ पे अराइवल था 10:05 को और 10:20 तक ट्रेन यहाँ पर रुकती है। खैर मैं आप लोगों को बता दूँ, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर उतरते हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। उज्जैन से मक्सी के लिए डायरेक्ट लाइन गई हुई है, नगदा के लिए लाइन गई हुई है, तो इसीलिए ट्रेनें यहाँ पर रिवर्सल का भी काम करती है। हमारी ट्रेन का भी यहाँ पर रिवर्सल होगा और हम लोग मक्सी होते हुए भोपाल के रास्ते, इटारसी होते हुए नरखेड़ के रास्ते पहुँचेंगे अकोला, जहाँ पर फिर से एक रिवर्सल होगा। पूर्णा में फिर से एक रिवर्सल होगा, इसलिए हमारी ट्रेन के बहुत सारे रिवर्सल होने वाले हैं दोस्तों। उज्जैन काफ़ी पवित्र शहर है जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए जो हमारी इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस है उसका नाम भी शिप्रा एक्सप्रेस है, जो कि अभी हमें मिली थी अराइवल के दौरान। ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी यूनिक है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कभी आप लोगों ने अगर ऐसे प्लेटफॉर्म और किसी रेलवे स्टेशन में देखे हैं तो फिलहाल मिलता हूँ आप लोगों से जब ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होगा। आकाश की ब्रांड की जो नमकीन है वो यहाँ पर भरी हुई है और मेरे को ये काफ़ी पसंद है तो ये भी ले लिया उज्जैन से अपने। काफ़ी अच्छा खासा टाइम है ट्रेन को आने में, देखो एकदम आकाश के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर भरे हुए हैं। लगभग आधे घंटे की देरी से पहुंच रही है यहाँ पे इंदौर मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन ने इससे लगभग 20 से 25 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया, देवस के रास्ते घूम के आई, लेकिन फिर भी दुरंतो से काफ़ी पहले पहुंच चुकी थी यहाँ पे। हाँ पर एक चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी कि यूनिफॉर्म लिवरी को मेंटेन किया गया है कम्प्लीटली, सारे कोचेज जो हैं वो दुरंतो लिवरी में हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे दुरंतो मात्र 5 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल भी चुकी है, हमें तो काफ़ी समय लगने वाला है क्योंकि भाई हमारी ट्रेन का तो रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर। बाकी दुरंतो की यूनिफॉर्म लिवरी काफ़ी ज़ोरदार लग रही है। गिरने का शौक है क्या? बच गया गलती से अभी, पूरा पानी की वजह से देखो पूरा स्लिपरी है। नहीं अच्छा लगा पूरी दुरंतो में यूनिफॉर्म लिवरी मेंटेन किया है, लास्ट वाला कोच भले ही ठीक है नॉर्मल लगा दिया हम सफर का। काफ़ी देर तक हमारी ट्रेन को यहाँ खड़े रखा गया है। इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं अब उज्जैन से और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अभी। तो आगे का जो रूट होने वाला है हम लोग मक्सी जंक्शन होते हुए, जहाँ से लाइन बाकी ग्वालियर की ओर कट जाती है, मक्सी से हम लोग फिर निकल जाएंगे आगे शुजालपुर होते हुए भोपाल, उसके बाद रानी कमलापति देवी, इटारसी, अमला और उसके बाद नरखेड़। हो सकता है तब तक नींद खुल जाए तो आप लोगों से तभी मुलाकात करेंगे, फिलहाल अभी के लिए सोया जाए क्योंकि कल एक नया रूट मिलने वाला है हमको न्यू अमरावती होते हुए बडनेरा के रास्ते अकोला में रिवर्सल, तो आप लोगों से तभी मुलाकात करते हैं। गुड नाइट दोस्तों। कालेश्वर दर्शन के लिए यहाँ उतरे, इस बोर्ड में लिखा हुआ था।
तो फिलहाल दोस्तों रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब सोया जाए। मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह जहाँ नींद खुलेगी, और इस सफ़र को ऐसे ही लगातार हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। गुड नाइट दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग नरखेड़ जंक्शन पहुंचने वाले हैं। डे टू में कोंकण वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये जो रूट है काफ़ी एकदम हरा भरा है, और मतलब पानी लगातार ही यहाँ पे शूट पे बह रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ वाली स्थिति है, क्योंकि जो छोटे छोटे ब्रिजेस भी हैं ना वो भी एकदम ओवरफ्लो है, पानी एकदम टच होकर बह रहा है ब्रिजेस से। हरियाली तो भाई पूछो ही मत। ऑरेंज सिटी वारूद हम लोग पहुँचने वाले हैं, नरखेड़ वगैरह जंक्शन को हम लोग स्किप करेंगे दोस्तों। एकदम A1 है इस रूट पे। बाकी ऑरेंज सिटी जब पहुँचेंगे तो आपको ऑरेंज के पेड़ वगैरह भी आपको दिखाएंगे। जो लोग पांडुरना से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट अपने को पांडुरना से भी देखने को मिलते हैं, और हमारे AP भाई यानी अवनाश पाटिल भाई का घर भी है, तो सोचा इसे कवर करके ज़रूर आप लोग को दिखाया जाए। सर आप लोग मेरे साथ नरखेड़ जंक्शन सुनते हैं वीडियोस में, दिल्ली नागपुर लाइन की वीडियोस में, कि इसे जंक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन अकोला तरफ जाती है। आज वो रूट भी आप लोग मेरे साथ कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी ट्रेन नागपुर नहीं जाएगी, अकोला वाले रूट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नरखेड़ जंक्शन के बोर्ड में भी लिखा है कि अमरावती जाने के लिए गाड़ी यहीं से बदलें। ट्रेन जो है नागपुर लाइन से अलग हो चुकी है, और हम लोग अमरावती वाली लाइन पे बढ़ चुके हैं। अब स्ट्रेट जो रूट जा रहा है वही जा रहा है नागपुर, हैदराबाद, रायपुर, इन सभी रूट्स के लिए। स्टेशन है वारूद ऑरेंज सिटी का, और आप लोगों को बता दूं यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 7:28 का था। हमारी ट्रेन आधे घंटे के डिले के साथ लगभग 8 बजे पहुँची है, और बारिश लगातार हो रही है। कोंकण से ज़्यादा मज़े मेरे को इस रूट में देखने को मिले हैं, ये बात तो प्रूव हो चुकी। स्टेशन में प्लेटफॉर्म वगैरह में भी पानी भरा हुआ है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑरेंज का यानी संतरों का,
वैसे नागपुर को भी ऑरेंज सिटी कहा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए एक्सपोर्ट करने की, जो सबसे ज़्यादा जो संतरे हैं वो यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। अब इसके बाद जो अपना रूट है ये कम्प्लीटली नया है, बारिश के मज़े आप लोग भी मेरे साथ ले ही रहे हैं। अब खाना पीना ट्रेन का रिव्यू किया जाए, क्योंकि भूख काफ़ी लग चुकी है, 8 बज चुके हैं, डिनर वगैरह हम लोगों ने एकदम लाइट किया था। चलते हैं अंदर, देखते हैं खाना पीना कैसा है। तो यहाँ अपनी गाड़ी सौरव भाई के फेवरेट जोन सेंट्रल रेलवे से निकलते हुए, वेस्टर्न से सेंट्रल में आ गए, तो अब जाके सौरव भाई को अच्छा लग रहा है। जब तक वेस्टर्न में थी तो कमियां निकाल रहे थे गाड़ी की। मैं कुछ नहीं बोला। सेंट्रल में आके आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, बारिश देख के अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में बारिश देख कर अच्छा लग रहा है, वो भी ये रीजन में, यहाँ होती नहीं ना कभी, कभी सूखा रहता है। इस बार तो कोंकण बना हुआ है। ये देखिए, ये संतरों के पेड़ को एकदम करीब से, लेकिन पानी भरा हुआ नीचे तक। क्या क्या लाए हो? उपमा है, पोहा। क्या खाओगे? एक उपमा तो दे दो मेरे लिए, और एक पोहा निकाल दो। और क्या ला रहे हो? कटलेट खा दूं? कटलेट। तो यहाँ पे ये रहा ट्रेन का अपनी उपमा, और ये है पोहा, एकदम इंदौरी स्टाइल, सेव वगैरह डाल के। भाई टेस्ट करो, बताओ कैसा है, कैसा इंदौरी स्टाइल है या नॉर्मल है ट्रेन जैसा? बाकी चाय वगैरह आएगी वो भी ट्राई किया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ समय हम लोग पहुंचेंगे न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। चंदूर बाज़ार का प्लेटफॉर्म देखो, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, अपनी ट्रेन यानी अपना कोच पार करके रुकी हुई है। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है अभी। यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म बाहर है, इसलिए लोग यहीं पे उतर गए हैं, और बारिश हो रही लेकिन फिर भी लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई रेलवे को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उसका प्लेटफॉर्म तो होने चाहिए इतने की जहाँ ट्रेन अपनी समा सके, क्योंकि ऐसे बारिश के मौसम में इन पटरियों में चलना कितना खतरनाक हो सकता है। प्लेटफॉर्म जो है वो यहीं तक है, तो लोग आधे रास्ते में उतरने को मजबूर हैं, ना कोई शेड है ना कुछ है, और ट्रेनों को स्टॉपेज वगैरह भी दिया गया है यहाँ पे। काफ़ी लोग उतरे चंदूर बाज़ार में, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो सवारी हो, उनको फुट ओवर ब्रिज दिया गया है, पर एक शेड भी होना चाहिए था पैसेंजर के लिए, ताकि बारिश है तो कम से कम पैसेंजर रुक तो सके। चंदूर बाज़ार को जाना जाता है अपनी कैटल सेलिंग के लिए, यहाँ पे लोग जानवरों की खरीद के लिए आते हैं, बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग अमरावती पहुँचेंगे, लगभग 40-50 किलोमीटर होगा यहाँ से। 9:08 से 9:10 अपना अराइवल डिपार्चर टाइम था यहाँ से, मात्र 10 मिनट की डीली के साथ हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। भी नहीं है।
पास कर रहे हो। इतना बड़ा शहर, कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और यहाँ पे शेड भी नहीं है, काफ़ी बुरा लगा। ये है भगवान इंद्र की नगरी। इंद्र जी का आशीर्वाद तो आप देख ही रहे हैं लगातार जब से हम लोग सुबह से उठे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसे अंबा नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंबा देवी माता का मंदिर भी है। न्यू अमरावती ये जो जगह है, अलग से स्टेशन बनाया गया, क्योंकि जो अमरावती रेलवे स्टेशन है वो एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इसलिए हाल ही में इसे नया स्टेशन करके बनाया गया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और मैं एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे भी खाने पीने की कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं, लेकिन ट्रेन का जो पेंट्री कार है उसका खाना पीना सभी कुछ काफ़ी बढ़िया है, तो आपको खाने पीने की दिक्कत इस रूट में होने वाली नहीं है। बारिश हो रही है, चला जाए अंदर, बाकी बातें आपसे वहीं पे होंगी। कैसे लोग सिमट के एक छोटे से शेड में सहारा ले रहे हैं, बुरा लगता है जब एक कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एक बड़े से शहर में जब ये हाल है। केवल पुणे, मुंबई और नासिक को डेवलप करके कुछ नहीं होने वाला है, पूरे महाराष्ट्र पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बाकी पूर्णा, अकोला, ये सभी रीजन जो देखे हैं ना, इनमें भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जो सच है वो सच है, डेवलपमेंट आप लोगों के सामने है। ये है विदर्भा रीजन की राजधानी अमरावती। पहुँच रहे हैं बडनेरा जंक्शन, और सामने से जो ट्रैक आता हुआ आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये आ रहा है अभी नागपुर से। ये है नागपुर मुंबई लाइन का मेन हिस्सा, और इसे आप मुंबई हावड़ा लाइन भी कह सकते हो। नॉन स्टॉप जो बारिश है वो चली रही है। फाइनली यहाँ पर ट्रेन बडनेरा जंक्शन पहुँची है, यहाँ पे रोकी भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपने लोको पायलट साहब हैं, यहाँ पे क्रू चेंज होने वाला है उनका। यहाँ पे अपने एक भाई मिलेंगे, कहाँ, कैसे पहचाना? मतलब आपको देखा मैंने, मतलब अच्छा, अराइवल पे। हाँ, मेरी शालीमार आ रही है। हाँ, हाँ, तो मम्मी के साथ था मैं, आप दिख गए मेरे को इनके दरवाजे पे, तो ये नॉनवेज शौकीन थे, मैंने बोला ये तो भैया आपने आए ऐसे भी ब्लॉग वाले भैया। अभी कहाँ निकल रहे हो आप? मैं वर्धा निकल रहा हूँ। वर्धा जा रहे हो शालीमार एक्सप्रेस से? यार बडनेरा जंक्शन तो काफी अच्छा है, लेकिन बारिश हो रही है आज। चलो चलो मिलते हैं भैया। मिलते हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आप लोग से जल्दी मिलता हूँ। कैसे कटलेट का स्वाद वर्ते क्या 30 रुपए के हिसाब से? बटाटा वड़ा कम कटलेट है, ओनली आलू क्रंची कुछ। बारिश में ऐसे खाने का मजा कुछ और है, अच्छा लगता है। काफी क्रंची लग रहा है। अच्छी लगी मुझे बडनेरा जंक्शन के बारे में कि एटलीस्ट यहाँ पे शेड वगैरह प्रॉपर दिया गया, और सामने आज के हमारे LTT शालीमार एक्सप्रेस। लोकमान तिलक टर्मिनस से शालीमार के बीच चलने वाली ट्रेन, और इसे अब डेली ट्रेन बना दिया गया है। साफ सुथरी लग रही है यार गाड़ी वैसे देखने से। अचलपुर के लिए और साथ साथ एक और जगह के लिए नैरो गेज की ट्रेन एक हमारे लिए चला करती थी। आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताना है कि वो कौन सी ट्रेन थी, कौन सी जगह के लिए चला करती थी, जिसका नाम मैं आपको एक मिनट में छोड़ देता हूँ, शकुंतला एक्सप्रेस। बाकी फिलहाल यहाँ से भी हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में निकली, और वहाँ पर उसके रेट्स पुराने ज़माने के देखने को मिल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण चीज़ें आपको के लिए दिखा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। कुछ ही समय में यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे अकोला, आप लोग देखिए अकोला में रहेंगे।
अभी हम लोग पहुंच रहे हैं अकोला जंक्शन, और जब वहां से हमारी वापसी होगी ना, तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसी से हम लोग वापस होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जर्नी। सामने जो रूट है वो पूर्णा की ओर जा रहा है। पहले सेक्शन जो है कम्प्लीटली मीटर गेज ट्रेन्स का था, अकोला से पूर्णा होते हुए नांदेड़ तक मीटर गेज ट्रेन्स थी, और वही आगे कचेगुड़ा तक भी मीटर गेज जाती थी। और अगर ऊपरी ट्रैक की बात की जाए तो अकोला से अकोट होते हुए खंडवा, महू, इंदौर, रतलाम होते हुए जयपुर तक आपको मीटर गेज रेल ट्रैक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऊपर कोई ट्रेन आने वाली है, अभी इसी लाइन से हम लोग बढ़ने वाले, यही मैं आपको बता रहा था। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ईएमडी की आवाज़ भी आ रही है काफ़ी ज़ोरदार, क्योंकि एक खड़ी चढ़ाई है, लगभग एक फ्लोर भर की चढ़ाई है। हम सफर एक्सप्रेस, मतलब हजूर साहब नांदेड़ जम्मू तवी, नहीं जम्मू तवी नांदेड़ हम सफर एक्सप्रेस है। कर्व देखिए आप कितना शार्प है। इन्फॉर्मेशन तो सौरभ भाई ने आपको दे ही दी, बाकी अराइवल हो रहा है अपना अकोला पे, बारिश हुई। अकोला स्टेशन पर आपका स्वागत है।